guys, welcome back to my channel. So I recently visited this Bandra market जो कि बॉम्बे का बहुत ही फेमस मार्केट है. यू नो बैंड्रा लिंक मार्केट उसे बोलते हैं. वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत ही ऐसा क्लेम करते हैं कि सस्ते दामों पे मिलती है. आई हैव डन अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट वो पूरे मार्केट में घूमते हुए, तो प्लीज़ डू गो एंड चेक इट आउट. बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोज द कॉन्स, और जब आप उस मार्केट में जाए तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी खरीदने के पहले, हम उसके बारे में बात करेंगे. और इस वीडियो में मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो बैंड्रा मार्केट से ख़रीदे हैं जो कि सच में वर्थ इट है वहाँ पे ख़रीदने के, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी. इट्स अ मिनी हॉल कम इन्फॉर्मेशनल गाइड वीडियो. तो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज, तो सबसे पहली बात, आप अगर बैंड्रा लिंकिंग मार्केट जा रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है टाइमिंग. आप अगर सैटरडे संडे में जाएंगे, ऑफ कोर्स अभी लॉकडाउन है, ओमिक्रॉन है, कोविड चल रहा है, यू नो देर आर लाइक न्यू वेरिएंट्स कमिंग अप, तो थोड़ी अभी भीड़ कम होती है. लेकिन इफ़ एट ऑल यू आर प्लानिंग टू विजिट, ट्राई टू अवॉइड संडे इवनिंग. तो अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और आपको सैटरडे संडे में ही जाना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप दिन के टाइम में जाइए, जो यू नो धूप वाले आवर्स होते हैं, व्हेन पीपल वांट टू स्टे एट होम, मे बी दैट्स द टाइम व्हेन यू कैन गो. लाइक 2 to 4 का टाइम बहुत अच्छा है वहाँ पर जाने का. या फिर आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं, फ्रॉम 10 to 1 और मे बी 10 to 12 समवेयर. और 4 बजे के बाद तो वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है मार्केट में कि आपको चलने के लिए तक जगह नहीं मिलेगी. तो यस, द बेस्ट टाइम इज़ टू गो इन द आफ्टरनून. अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो आप उस टाइम पे जाइए, आपको मार्केट पूरा खाली मिलेगा. या फिर आप अर्ली मॉर्निंग चले जाइए, सो दैट यू विल गेट यू नो इनफ स्पेस एंड टाइम फ्रॉम द शॉपकीपर्स एंड यू कैन शॉप रियली वेल. सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, आप अगर बॉम्बे के नहीं हैं तो इट्स बेटर आप किसी ऐसे जने को ले जाइए जो कि वहाँ पर बारगेन कर सके, बिकॉज यू नीड टू बारगेन अ लॉट गाइज, अ लॉट मतलब काफ़ी. फिर कुछ कॉटन के कुर्तों की शॉप्स थी, तो ऐसे 3-4 लगातार सी शॉप्स थी. कितने का है भैया ये ड्रेसेस? तो गाइस यहाँ पे ये जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं, जैसे कि वो शॉपकीपर बता रहे हैं, दीज आर फॉर 200 रुपीज. आपको एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी, यू हैव टू बार्गेन अ लॉट. आप बार्गेन करके 150-200 में ले सकते हैं. ये वाला कितने का है? 1850. हमेशा से इतना रहता है प्राइस भैया? अब यहाँ पर ये जो सूट्स थे गाइस, ये सिंपल कॉटन के प्लाजो दुपट्टा वाले सूट्स हैं, अच्छे थे. मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, काफ़ी अच्छे सूट्स थे, काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस थी, बट उन्होंने मुझे इसका प्राइस ओरिजिनली बताया 1800 रुपीज़. और जब उन्हें पता चला कि मैं यूट्यूब पर डालने वाली हूँ, देन दे रिड्यूस्ड द प्राइस टू 700 रुपीज़. सो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस. इनफैक्ट वो 700 से और 500 रुपीज़ तक भी आ सकता है. अगर कोई भी चीज़ आपको 400 या 300 की मिलने वाली होगी, वो उसे तिगुना और चौगुना करके आपको 1800-2000 रुपीज़ बताएंगे. एंड देन यू हैव टू यू नो लाइक लिटरली सिट ऑन देम. आपको कई बार चीज़ें छोड़ के भी जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप बुरा मत मानिए, बिकॉज यू हैव टू बार्गेन अ लॉट गाइज. वो लोग क्या करते हैं, लोग देख के भी बार्गेन करते हैं. तो इफ़ यू आर गोइंग टू बी ड्रेस्ड रियली वेल, विच येस वी आर राइट, तो वो आपको प्राइजेस ज़्यादा बताएंगे. वेयर एज इफ़ यू आर लाइक यू नो अ रेगुलर कस्टमर काइंड ऑफ थिंग, तो आपको प्राइजेस वो बहुत ही नॉर्मल से थोड़े बता सकते हैं. बट अगेन, बार्गेनिंग इज द मस्ट. सो दैट्स द सेकेंड थिंग, प्लीज़ टेक अलॉन्ग अ फ्रेंड, या फिर आप खुद बार्गेन उनसे इतना करिए, बिकॉज प्राइजेस आर गोइंग टू बी, अगर उन्होंने आपको 1800 बोला है तो प्राइस डेफिनेटली 900 है या फिर उससे कम है. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स. जो नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, यू नो डोंट जस्ट पिक अप एवरीथिंग दैट यू सी. देर आर फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स, सो ट्राई टू थिंक आपको क्या चाहिए और उन्हीं पे फोकस कीजिए, बिकॉज देर आर गोइंग टू बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स. आपको लगेगा मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ. ट्राई टू बी फोकस्ड. वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती है, आप उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए रैदर देन यू नो लाइक बार्गेनिंग और टाइम वेस्ट करने से. आप जैसे इफ़ यू आर अ ज्वेलरी लवर, राइट, वहाँ पर ज्वेलरीज जो है वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलती है गाइज, एंड यू हैव टू अगेन बारगेन. तो अगर वहाँ पर आपको रिंग्स का बहुत शौक है, मैंने रिंग्स लिए हैं, आई विल शो इट टू यू इन अ लिटिल लेटर,
आई शो टू यू लेटर इन द वीडियो, बट जैसे रिंग्स हैं, कुछ आपकी बैंगल्स हैं, नेक पीसेज हैं, हेड बैंड हैं, लाइक दोज आर द थिंग्स बेसिकली यू वॉन्ट टू शॉप फ्रॉम देयर. वहाँ का जो फुटवेयर कलेक्शन है दैट इज ऑल्सो रियली रियली गुड, बट दोज फुटवेयर्स वुड नॉट लास्ट यू फॉर लाइक अ ईयर और टू और समथिंग लाइक दैट. ऑफकोर्स अगर आप वहाँ से 200 या 300 रुपये की चप्पल खरीदते हैं तो वो आपको 6 महीने या फिर 8 महीने चलेगी, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के शॉप करना है. डोंट बाय लाइक 10 फुटवेयर्स बिकॉज इट वुडंट मेक एनी सेंस. ट्राई टू सी कि क्या अच्छा है, क्या यूनिक है, और उन यूनिक चीज़ों को आप खरीदने की कोशिश कीजिए, जो कि अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा. लाइक देर आर फर्स्ट कॉपी पर्सेस, देर आर फर्स्ट कॉपी बैग्स, देर आर फर्स्ट कॉपी शूज, आप उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए. बिकॉज इफ़ यू गो टू बाय अ ओरिजिनल नाइकी एंड रिबॉक शू, इट वुड कॉस्ट यू 8,000-10,000 वर्सेज हियर यू आर गेटिंग फॉर 1,000 or 800 or 500 रुपीज. तो Try to do a comparison of online versus offline and then buy things. इससे क्या होगा, आप बहुत सारा कचरा नहीं खरीदेंगे and you'll only buy what is required. एक और जो बहुत ही important बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर आपको you know काफ़ी सारे ऐसे road side कपड़े बेचने वाले मिलेंगे जहाँ पर आपको बहुत अच्छा collection मिल सकता है. Like अभी विंटर चल रहा है तो वहाँ पे स्वेटर्स की काफ़ी सारे शॉप्स लगी हुई हैं, उसमें यू गेट लाइक एवरीथिंग फॉर 100, राइट? एक कुर्ते का लगा रहेगा वेयर यू हैव एवरीथिंग फॉर 200. देर इज़ वन विच इज़ फॉर पार्टी टॉप्स, एवरीथिंग फॉर 200. तो इस तरह की चीज़ों पे भी आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जहाँ पे यू विल गेट वैरायटी एट द सेम प्राइस. तो अगर आपको स्वेटर्स या विंटर कलेक्शन लेना है, ट्राई टू गो देयर. वो सारे इम्पोर्टेड माल होते हैं अगेन, तो आप वो खरीद सकते हैं. उसमें क्या होता है, आपको बार्गेन भी नहीं करना पड़ता है एंड देन आपको डेफिनेटली एक या दो पीसेस तो उसमें से अच्छे निकल ही जाते हैं. तो ट्राई टू डेफिनेटली ग्रैब दोज डील्स, 100 का एक, 200 यू नो का एवरीथिंग. इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी. ट्राई टू फोकस ऑन दोज शॉप्स एज वेल. तो गाइज ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको ध्यान में रखना है अगर आप बांद्रा हिल मार्केट जा रहे हैं. एक बहुत ही लास्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी बिफोर वी मूव ऑन टू द हॉल, द स्मॉलेस्ट हॉल दैट आई डिड एवर. वो ये है कि आप यू नो वहाँ पर अगर जा रहे हैं तो टाइम निकाल के जाइए, बिकॉज बांद्रा लिंकिंग मार्केट के जस्ट पास में है हिल मार्केट, यू नो, एंड देन यू हैव लाइक अंधेरी लोकल मार्केट एंड बांद्रा मार्केट. तो वहाँ पे आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे मार्केट हैं जो कि सेग्रीगेटेड हैं, तो आप उन्हें भी कवर कर सके. सो ट्राई टू टेक अ डे आउट, मतलब आप जल्दी जल्दी में मत जाइए कि मैं 2 घंटे में यू नो आई जस्ट गो फटाफट से आई गो आई पिक दीज थिंग्स अप एंड देन आई बी डन. नो, ट्राई टू टेक आउट अ डे. आप सुबह जाइए एंड देन यू नो यू कैन ऑल्सो हॉप अराउंड इन द मार्केट्स एंड बाय सर्टेन थिंग्स. सो गाइज येस दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. आई एम ऑल्सो गोइंग टू विजिट हिल मार्केट जो कि थोड़ा सा दूर है बांद्रा लिंकिंग मार्केट से. सो डू कीप वॉचिंग, डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विथ वन सच अमेजिंग वीडियो. बाय.